फ्रेंड्स, मैं अरुण सोनी आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का लेसन है चौथा, रासायनिक आबंधन व आणविक संरचना। ओके, इसके अंदर ना अपने को सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है जो 10th के टॉपिक हैं दो चार। फर्स्ट है अष्टक नियम। देखो, अपन ने अष्टक नियम के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये कौसेल लुइस ने दी थी और इन्होंने क्या क्या बताया था, जिन तत्वों के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं क्योंकि उनकी संरचना स्थायी होती है। देखो, परमाणु बनाते हैं उसके बाहर जो घेरा बनाते हैं, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो परमाणु क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, वरना वो अस्थायी रहेगा। हीलियम के बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यह एक स्थायी व्यवस्था है क्योंकि हीलियम का बाह्यतम कोष प्रथम कोष ही होता है और प्रथम कोष में हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं, इसलिए हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन से ही स्थायी हो जाता है। जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे और अपना अष्टक क्या करेंगे, पूरा करेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, बेरिलियम आदि अपने बाह्यतम कोष में द्विकपूर्ण करने का प्रयास करते हैं, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं। इन प्रयास के क्रम में एक तत्व रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं, इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। इस प्रकार परमाणु निकटतम उत्कृष्ट गैस परमाणु का विन्यास प्राप्त करने पर अपना अष्टक पूर्ण करने के क्रम में रासायनिक संयोजन या बंध बनाते हैं। मतलब ये कि मान लो NaCl बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। उसके बाद बात करते हैं लुईस प्रतीक की, ये छठी लाइन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लुईस प्रतीक क्या होते हैं, देखो लुईस एक साइंटिस्ट था, उसने तत्वों के बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको बताने के लिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए एक प्रतीक दिए थे, सिंबल दिए थे, उन्हीं को लुईस प्रतीक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, जैसे लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोष में होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको एक डॉट से दिखाया है। बेरिलियम में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन में 3 होते हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये कई बार आपको बताया हुआ है, तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, नियोन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि इससे लुईस संरचनाओं से होता क्या है, तो ये एग्जांपल यहाँ देखो, रासायनिक बंध से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हेलोजन व उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले क्षार धातु एक दूसरे में उत्कृष्ट गैस द्वारा पृथक रहते हैं, जैसे NaCl, Na यहाँ पर क्या है, क्षार धातु है, और Cl यहाँ पे क्या है, एक हेलोजन है, ठीक है। हेलोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, जिससे ये दोनों क्या हो जाते हैं, बंध बना लेते हैं और स्थायी हो जाते हैं। जैसे ये रहा एग्जांपल, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, ठीक है, और इससे क्या बन गया, NaCl बन गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है MgCl2, Mg यहाँ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Cl यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरा Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए बनता है MgCl2, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि रासायनिक संयोजन की विधि क्या क्या होती है। रासायनिक संयोजन की विधि होती है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, मतलब कोई बंध क्यों बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनता है, ठीक है, एक तत्व के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे तत्व के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन के सहभाजन द्वारा। सहभाजन का मतलब ये होता है कि किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, और किसी को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे चाहिए तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, जिसको ज़रूरत है उसको दे देगा, ठीक है। उसके बाद लुईस के अनुसार कुछ संरचना बनानी अपन को सीखनी है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड में क्या होता है कि ये पोटेशियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Cl है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोष में, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, ये पोटेशियम अब Cl को इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, तो देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्योंकि पोटेशियम आता है 19 नंबर पे, जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम 10th के हिसाब से कैसे लिखते हैं, 2, 8, 8 और 1, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ 8 हो जाएंगे और यहाँ पे 8 रह जाएंगे, तो दोनों के अष्टक क्या हो गए, पूर्ण हो गए। अब जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो इस थ्योरी के अंदर है, इस थ्योरी को एक बार पढ़ के देखना, पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही CaF2 कैसे बनता है, देखो कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8, 8, 2, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 फ्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे 2 फ्लोरीन जुड़ गए, ठीक है। ऐसे ही सेम MgCl2 बन गया, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और एक Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे Cl को दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये आपका बन गया MgCl2। ऐसे ही आपका MgO बनता है, ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैग्नीशियम के पास संयोजकता कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो बन गया MgO। ओके,
आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट आपको मैं बोर्ड पे ढंग से ये सारी चीज़ समझाऊंगा। आज ये सिर्फ थ्योरी का इसलिए बताया क्योंकि ये 10th के लेवल का था, ठीक है, जो आप 10th में पढ़ते आए हो, इसीलिए मैंने थोड़ा ये बताया। आज का वीडियो छोटा है, कल का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। थैंक यू।